अपराधी बेखौफ वारदात को अंजाम दे देते हैं और फरियादी सालों खौफ के साए में जीते हैं। पुलिस का शिकंजा अपराधियों पर नहीं कसता और अपराध का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जाता है। ऐसे में जब एक लेडी सिंघम ने महज कुछ ही घंटों में व्यापारी के साथ मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार किया तो लोगों का अचानक ही पुलिस पर भरोसा बढ़ गया। इस लेडी सिंघम से बदमाश खौफ में रहते हैं। कहते हैं अगर नौकरशाही दुरुस्त हो तो कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्टाचार की दीमक अंदर ही अंदर खा रही है। लोगों का इस व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा है, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो अपनी साख बचाए हुए हैं। उनकी तवतरित कार्यवाही और संवेदनशीलता के कारण आज ये अधिकारी दूसरे अधिकारियों के लिए मिसाल बने हुए हैं। उन्हीं अधिकारियों में से एक है गाडरवारा की टीआई आरती नागर, जिनकी पहचान लेडी सिंघम के नाम से बनी हुई है। दरअसल मामला गाडरवारा का है, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने एक व्यापारी की उसकी दुकान में ही घुसकर पिटाई कर दी और जमकर उत्पात मचाया। यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। व्यापारी से हुई मारपीट ने पूरे शहर में एक डर का माहौल पैदा कर दिया। वहीं इसके विरोध में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर सड़कों पर आंदोलन कर पूरी घटना का विरोध दर्ज कराया। गाडरवारा टीआई आरती नागर ने इस मामले में देर ना करते हुए व्यापारियों की पूरी बात सुनी और एफआईआर के आधार पर घटना के चंद घंटों में ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हाँ, केतन मोबाइल के क्या मालिक के साथ जिससे आरोपियों की मारपीट आई हुई है, उसमें से दो लोग संतोष और भैया जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनकी कार्रवाई चल रही है। बंद सही है गलत है पे पुलिस को तो कमेंट्स करने का अधिकार है नहीं, बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि पुलिस ने 18 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करके अपना कार्य किया है। और जैसे ही ये लोग रिपोर्ट लिखवाने आए थे, आधे घंटे के अंदर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए इनकी एफआईआर दर्ज की और तत्काल पुलिस टीम रवाना भी की आरोपियों की खोज के लिए। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो गाडरवारा के मुख्य बाजार से उस दुकान की है जहां व्यापारी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि 4 से 5 बदमाश पहले दुकान में घुसते हैं, फिर व्यापारी के साथ मारपीट करने लगते हैं। पूरी घटना का विरोध व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद कर दर्ज करवाया। वहीं मौके पर पहुंची टीआई आरती नागर ने व्यापारियों को समझाइश दी और कार्रवाई करने की बात कही। इस लेडी सिंघम की तत्परित कार्रवाई से शहर में चारों ओर उनके काम की चर्चा हो रही है, साथ ही साथ बदमाशों में इस लेडी सिंघम का खौफ साफ देखा जा सकता है। कोई आपसी विवाद नहीं था, कोई ऐसा कोई मैटर नहीं था, पुराना कोई बात नहीं थी। सहज भाव में अपनी दुकान खोलने आया, एकदम से पीछे से 8-10 लोग आए, उन्होंने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। लट्ठे वट्ठे लेके ज़्यादा हथियार भी रखे थे वो लोग, पत्थर वत्थर भी थे हाथ में। अंदर घुस के उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया और मुझे नुकसान पहुँचा, दुकान में तोड़फोड़ भी हुई मेरी। ये घटना कल सवाल चौक पर केतन मोबाइल पर एक छोटी सी गाड़ी के लगने के बाद विवाद से शुरू हुई है। और जब केतन मोबाइल के संचालक रत्नेश अग्रवाल दुकान उन्होंने शुरू की, दुकान खोली, तो अचानक ही उनकी दुकान पे 8-10 लोगों ने शस्त्रों के साथ दुकान में प्रवेश कर उनके साथ हाथापाई की और दुकान में तोड़फोड़ की। इससे कृत्य को लेकर आज नगर के सभी व्यापारी संगठनों ने विरोध स्वरूप आज नगर बंद का आयोजन किया और पुलिस एवं प्रशासन पर से आग्रह किया कि दोषियों की गिरफ्तारी तुरंत हो, उनके ऊपर कार्रवाई तुरंत की जाए और भविष्य में ऐसी किसी भी प्रकार की घटना व्यापारी साथ ना हो, इस आश्वासन के साथ धरने का समापन किया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।